आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक की। रिजवान गुज्जर अपने सैकड़ों साथियों के साथ जिला अध्यक्ष जी अमेठी श्री छोटेलाल यादव जी एवं जिला अध्यक्ष रायबरेली की वीरेंद्र यादव जी के समक्ष समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए। वही ओदारी के राम नरेश मौर्य जी ने भी समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की। जिला अध्यक्ष अमेठी छोटेलाल यादव ने कहा कि सन 2022 में जनता अखिलेश यादव जी की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है, इसलिए सन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। रायबरेली के जिला अध्यक्ष इंजीनियर श्री वीरेंद्र यादव जी ने कहा कि भाजपा सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता रंजीत यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में ही नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही किसानों, छात्रों, बेरोजगारों के हित की बात करती है। युवा नेता राजू गुज्जर ने कहा कि इस बार हम सभी समाजवादियों का लक्ष्य है कि तिलोई विधानसभा में समाजवादी पार्टी का विधायक बने। इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करने का काम करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पवन यादव, विधानसभा अध्यक्ष हाजी मिर्जा, अशरफ बेग, महिला सभा की जिला अध्यक्ष मीना सिंह, दिनेश कोटेदार, योगेंद्र, रफीक चचा, संतराम प्रधान, नदीम गुज्जर, एहसान गुज्जर, रामराज, सुरेश यादव, अमरीश यादव, आशीष, कुलदीप यादव, राकेश पासी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अमेठी से जिला संवाददाता आमिर हुसैन की खास रिपोर्ट।